Perplexed no more with human or divine. Tomorrow's tangle to the winds resign and lose your fingers in the traces of the cypress cylinder minister of wine. दैहिक दैविक तापों की चिंता त्याग कर अपने सारे कष्ट डुबो दे मदिरा के प्यालों में और अपने सारे संशय भय दुविधा चिंताओं को उलझा दो इस सुंदर साकी के घुंघराले बालों में। उमर खयाम की ये रुबाइयां अहमद शेख सादी यूएई से पूछ रहे हैं। बाबा इनके अर्थ समझाइए। उमर खयाम शराब की बात करते हैं। किस शराब की? जो तुम्हारे मैखानों पर कुछ रुपए देकर उपलब्ध हो जाती है उस शराब की? नहीं, उस शराब की बात नहीं करते हैं उमर खयाम। उमर खयाम किसी और शराब की बात करते हैं। तुम्हारी शराब पी के आदमी मूर्छित हो जाता है और एक और शराब भी है जिसको पी के आदमी बाहोश हो जाता है। तुम्हारी शराब बेहोश करती है, वो एक और शराब है जो आपको बाहोश करती है। वो शराब किसी मैखाने पे उपलब्ध होती तो तुम्हारे पास कोई रुपयों पैसों की कमी भी ना थी। तुम जाते मैखानों पे खरीद लाते और वो शराब पी लेते। लेकिन काश यह पैसों से शराब आती नहीं। इस शराब का मूल्य तो तुम्हारा शीश देकर चुकाया जाता है। जो भी चाहे वहां कोई भेदभाव नहीं। राजा प्रजा जेही रुचे हैं शीश दे ले जाए। वह शराब बाहोश करती है। इस बाहोशी का नाम खुमारी। और संतों ने कहा कि बाहोश हो जाओ, याद करो तुम कौन हो और तुमने याद करना शुरू कर दिया अल्लाह राम राधे वाहे गुरु ओ गॉड। संतों ने ये तो ना कहा था। याद करो तुम कौन हो और तुम कहते हो ओ अल्लाह अल्लाहु अकबर। ये तो उमर खयाम ने नहीं कहा था और उमर खयाम ये शराब पीते भी नहीं। कौन सी शराब पीते हैं? आइए उमर खयाम के भीतर उतरे। Perplexed no more with human or divine. Tomorrow's tangle to the winds resign. दैहिक दैविक तापों की चिंता तज कर
अपने सारे कष्ट डुबो दे मदरा के इस प्याले में। लेकिन तुम इशारों से भी नहीं समझते, शब्दों से तो समझते ही नहीं, इशारों से भी तुम नहीं समझते। भला तुम्हारी इस शराब को पी कर, मैं खाने की शराब को पीकर दैहिक दैविक भौतिक तापों से तुम्हें निजात मिल जाता है? नहीं मिलता। पर वो शराब ही क्या जो तुम्हें जिंदगी भर के इन तापों से दूर न कर दे? वह तो शराब नहीं हुई, वह तो बेहोशी हुई, वह तो बाहोशी नहीं हुई, वह तो बेहोशी हुई। दैहिक दैविक तापों की चिंता तज कर, लेकिन तुम तो चिंता में पीते हो। चिंता को तज कर कहां तजी जाती है? जैसे ही इसका नशा होता था, दूने वेग से ये चिंताएं फिर आपको घेरने लगती हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापों की चिंताओं को तज कर अपने सारे कष्ट डुबा दे मदरा के प्याले में। कौन से मदरा के प्याले की बात करते हैं उमर कयाम? निश्चित ही इस मदरा की बात तो नहीं करते जो तुम्हारे मैखाने से उपलब्ध हो जाती। अगर इस मैखाने की मदरा को पीकर तुम्हारे दैहिक दैविक भौतिक ताप समग्र रूपेण सदैव के लिए तिरोहित हो जाते तो फिर आज दुनिया में कोई दुखी न रहता। सभी सुख के सागर हो जाते। मस्ती के उफान से भरा ये समुद्र कोई और है जिसकी बात उमर खयाम करते हैं? वो सागर कौन सा सागर है? एंड लूज योर फिंगर्स इन द ट्रेसेस ऑफ द साइप्रस सिलेंडर मिनिस्ट्री ऑफ वाइन। दैहिक दैविक भौतिक तापों की ज्वालाओं को तज कर, चिंताओं को तज कर अपने सारे कष्ट डुबा दो, डुबा दो मदरा के प्यालों में। तुम्हारी ये शराब तो तुम रोज पीते हो, कहां डुबा पाती हो? सुबह उठते हो, सांझ के लिए कदम तैयार होना शुरू हो जाते हैं और सांझ ढलते ही अभी सूरज छिपा नहीं होता और तुम्हारे पग मैखाने की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। कहां मिटी आपकी चिंता? दैहिक दैविक भौतिक ताप कहां मिले? तुलसीदास का एक शब्द है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कायो व्यापा। और ये राम राज लेके आ रहे हैं और उमर खयाम उस राम राज को शराब का प्याला कहते हैं। और आप कहते हैं छी 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 छी, शराब को तो छोड़ दो। तो फिर उस शराब को छोड़ते छोड़ते ये बृहत शराब भी छोड़ती जाती है।
पी लो भाई, एक आध पी पी लो, गटक कर लो, इसका स्वाद भी ले लो, पता चल जाए व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, इस शराब में और उस शराब में क्या फर्क है। और जो धर्म ये शराब छुड़ा देते हैं, ध्यान रखना बड़ी शराब को पीने की कभी ऐसे स्थितियां पैदा नहीं कर पाते जो कि आप उस महत शराब के सागर में गोते लगाने के योग्य हो जाओ, आपके हाथ में माला पटका देंगे। जपते जाओ ये चार नाम, ये पांच नाम, और इनकी आंखों की तरफ झांक के देखो, कहां बाबा नानक का वो मस्ती भरा सुरूर जो फकीरी के दम पर मस्ती के आलम में उस खमारी के रस को पी रहा है। और इनका इनकी आंखों की तरफ थोड़ा झांक के देखो, कोई मदहोशी के खुमार की एक रेखा भी इनमें छिन्ने तो आप नहीं देख पाओगे। क्या फर्क है दोनों में, वह खुमारी को पी रहे नानक, और ये संसारिक लोग शराब को पी रहे। और तुम शराबियों ने उमर खैयाम को भी बड़ा शराबी घोषित कर दिया। इसलिए मैंने कल ही कहा कि घर की एक कमरे को हिमालय में तब्दील कर लेना सप्ताह में मात्र एक दिन, बिल्कुल वैसा ही सजा लेना जैसे आप त्योहारों के वक्त भगवान कृष्ण की मूर्ति को सजाते, कितना आडंबर करते हैं, कितने रंग बिखेरते हैं, बस सप्ताह में एक दिन घर के इस बंद कमरे को हिमालय ही बना लेना। आज विज्ञान ने सक्षम बना दिया है तुम, और फिर इन कंदराओं में बिल्कुल वैसा ही बैठे रहना, मन भागेगा नहीं, भूख लगेगी तो क्या करेंगे। बहुत से भागे हुए लोग घर वापस आके मुझे यही बात बताएं, सबसे बड़ा फिक्र था के मांगेंगे कहां, पेट तो मांगेगा, हम कहां मांगेंगे, और फिर वापस आना पड़ा। नहीं तुम जाना ही मत, वहां कुछ नहीं, जो कुछ है बस यही है, यही मिलेगा, यही ठहर जाओ सप्ताह में एक दिन, ये नियम बना लो, अन्यथा हाथ मल मल कर पछताना तुम्हारे भाग्य में, तुमने ही लिख दिया है, कोई और नहीं लिखेगा, तुम ही लिखोगे तुम्हारा भाग्य। तो इस शराब को पीते हो तो मत छोड़ना, घटाते जाना, और दूसरी तरफ उस शराब के करीब जाते जाना। ये दो पहलू मैंने बताए, और अगर नहीं पीते हो तो फिर उस शराब के करीब होने की कवायद में जुट जाना। बहुत से व्यक्ति मुझे कहते हैं बाबा
आपने क्रिया योग क्या बता दिया, हमारी शराब छूट गई। जो लुत्फ हमें शराब में आता था और सुबह जो सिर में और बदन में दर्द होता था उससे भी निजात मिल गई, और सरूर उससे भी ज्यादा, और सरूर ऐसा कि असली, और सरूर ऐसा कि जिसपे खर्च कुछ नहीं होता, और सरूर ऐसा कि डिटॉक्सिफाई हो जाता है सारा बॉडी, सारा जहर निकल जाता है। और लोग मुझे पूछते हैं, बाबा तुम कहते हो कुछ नहीं करना है, तो फिर क्रिया योग भी क्या नहीं करना है? मैंने कहा मत करो, फिर भोजन भी मत करो, ये भी तो क्रिया है, फिर स्नान भी मत करो, फिर मूल मल मूत्र भी मत त्यागो, ये भी तो क्रिया है। ऐसी खोपड़ियां हमारी आज गोबर से भर गई। बोलने वाले संत के ऊपर, किंतु परंतु करते वक्त आपकी उंगली जरा भी नहीं ठहरती। आपका खाक सीखोगे और फिर आखिर में कहोगे 40 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष क्या 20 जन्म भी तुम नहीं पहुंचाओगे अगर ऐसे ही रहोगे तो। बात सुनो, बात समझो, तर्कों से सत्य को मारने की चेष्टा मत करो। किस खुमारी की तरफ, किस शराब के प्यारे की तरफ इशारा करते हैं उमर खैया? दैहिक दैविक तापों की चिंता तज कर, तुमने नहीं तजना है, याद रखना। तुमने गर्माहट महसूस नहीं करनी है, शरीर गर्म हो रहा है, शरीर गर्म हो रहा है, शांति मिल रही है, शांति मिल रही है, नहीं, शरीर गर्म हो रहा है, इस बात की साइकोलॉजिकल व्यवस्था नहीं करनी है, दोहराव नहीं करना है। आग के सामने बैठ जाना, आग तापते हो, ठंडी ज्यादा होती है, बस वो करना। मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाएं नहीं करनी है, ये झूठी, आग सच्ची है। एक ब्रह्म कुमारी के पेट में दर्द हो गया, वजह फोन है, बाबा पेट में दर्द क्या कर? मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? कहती मैं तो घंटे भर से कर रही हूं, दर्द नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, दर्द शरीर को हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है। तो मैं कहा फिर हटा? कहते नहीं हटा तो नहीं, दर्द तो अब भी हो रहा है। मैं कहा तू चुप करके, रात के 2 बजे हैं, डॉक्टर जगदीश की दुकान खुली हो, वहां चली जा, ड्रॉट वेरिन का इंजेक्शन ले ले, कोई एनर्जेसिक ले ले, कोई एंटी स्पास्मोडिक ले ले, ट्रेमाडोल ले ले, तेरा दर्द छू मंतर हो जाएगा। तेरे इन पखंडों से तो दर्द नहीं मिटा, दर्द तो सलामत रहो। अगर वास्तव में तुम दर्द से निजात चाहते हो तो तुम्हें सत्य की तरफ कदम उठाना होगा, भ्रांतियों से दूर जाना होगा। वैसे तो तुम सारा दिन ब्रह्म कुमारियों के बताई हुई इन साइकोलॉजिकल बातों में, दोहरावों के चक्कर में उलझे रहते हो, और जब तुम्हें सत्य में परेशानी आ जाती, टूट जाती है हड्डी, तो फिर तुम कहते हो ओ ऑर्थो के पास लेके जाओ। ऐसी ही एक ब्रह्म कुमारी गिर पड़ी थी ऊपर से, चूकना टूट गया। अब डॉक्टर तो कहे कि ये तो भाई बदलना पड़ेगा, क्या करे, बदलो, और तो कोई उपाय भी नहीं। मैंने कहा देखो बात सुनो, पहले आज हम आके देखो, चूकना नहीं टूटा है, चूकना नहीं टूटा है, ऐसा नहीं करोगी?
कहते रहे बाबा तुम ऐसा मत किया करो, तो तुम भी ऐसा क्यों करते हो, क्यों पाखंड जाल में दुनिया को उलझाए फिर रहे हो। अगर ये सोचने से चूकना नहीं जुड़ता है तो फिर लोगों को क्यों नरक में धकेले जाते हो, कह दो तुम भी तो ऑर्थो के पास आई हो, तो लोगों से कह दो कि मत ऐसे नहीं जुड़ेगा भाई, चूकना ऑर्थो के पास जाके रिप्लेस करवा लो, नया डलेगा। जितने लोग मान्यता प्राप्त हैं जब उन्हें कोई तकलीफ हो जाती है तो डॉक्टर का मेरे पास फोन आया कि इसने सारा अस्पताल सर के ऊपर उठा दिया, हाँ दर्द हो गया, जल्दी करो इंजेक्शन लगाओ, क्या हो गया, अरे तुम्हारा संकल्प कहां चला गया, बॉर्डर पार कर गया, क्यों नहीं संकल्प करती कि दर्द नहीं हो रहा। यही तो घड़ी है आजमाने की, परमात्मा ने तुम्हें प्रसाद रूप में ये घड़ी दी। मैं बाबा ऐसे मत किया करो, तुम और कैसे किया करे, और कोई करने का ढंग है। तुम सारे दिन लोगों को बेवकूफ बना रही, अगर तुम्हारा बस चले तो तुम दर्द और कराहते हुए लोगों की जमात इकट्ठी करके रख दो और इन डॉक्टरों को भगा दो जैसे ब्राह्मणों ने बुद्ध को भगाया था। और फिर याद रखना, भगा तो देखो दोगे तुम डॉक्टरों को, लेकिन जरूरत तो सदा ही पड़ती रहेगी, तुम्हारे प्राण कपेंगे, क्योंकि तो औरतों के बिना कौन रिप्लेस करेगा तुम्हारा चूकना, हड्डी कौन जोड़ेगा। ऐसी बकवास बंद जितनी जल्दी हो जाए उतनी बढ़िया। किस तरफ इशारा करते हैं, ये समझाना तो बहुत आसान है, यहां की शराब छोड़ दो, बड़ा आसान है, नहीं छोड़ेंगे, घर जाके चुपचाप पी लेंगे। और बहुत से व्यक्ति देखे हैं, नाम लिया है, मैंने देखा क्या कर रहे हो तुम, तो नामधारी हो, अरे बाबा चुप हो जाओ, क्या करें, वो बात रखे, वो तो डेरे में छोड़ा है। दैहिक दैविक तापों की चिंता तज कर, कैसे तजोगे, जहां ताप पहुंचता नहीं वहां पहुंच जाओ, जहां ताप पहुंचता नहीं ना दैहिक ना दैविक ना भौतिक, जहां ताप पहुंचता नहीं नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम कले दापो ना शोषती मारुता, आग जहां पहुंचती नहीं, दर्द जहां पहुंचता नहीं, चिंताएं जहां पहुंचती नहीं, बाधाएं जहां पहुंचती नहीं, उस तल पर चले जाओ, मत बैठे रहो मानसिक तल पर, ये मनोवैज्ञानिक तुम्हें मार देंगे। अपने सारे कष्ट डुबो दे कहां, मथुरा के प्यारे, कहां है वो मथुरा का प्यारा, कोई और छोर, कोई पता ठिकाना, कोई एड्रेस बता दो, वो ही बताते हैं, वो ही बता रहे हैं उमर खय्याम, और तुम इनको शराबी कहते हो, बहुत बड़े शराब। अपने सारे कष्ट डुबा दे मदरा के प्यालों में, तो मदरा के प्याले हैं कहां, देखिए बड़ा प्यारा शब्द प्रयोग किया, मदरा के प्याले में नहीं कहा है सर, इसने कहा मदरा के प्यालों में, ओशन ऑफ वाइन, वो समुद्र जो भरा पड़ा है खुमारी से, जो भरा पड़ा है मस्ती से,
जो भरा पड़ा है सुरूर से, उसमें डुबो दे सारे कष्टों को, तू खुद ही डूब जा, कष्ट तेरे साथ ही डूब जाएंगे। निगाहें कहीं पे इशारा, निशाना कहीं पे निगाहें, तो इसकी निगाहें कहीं है, इसका निशाना कहीं है, निशाना इसके आपके भीतर के उस तल पर है, जिस तल पर निशाना कृष्ण करते हैं, जिस तल पर बाबा नानक इशारा करते हैं, कबीर निशाना करते हैं, मीरा जिसकी तरफ इशारा करते हैं, चैतन्य शंकर जिसकी तरफ इशारा करते हैं, महावीर और बुद्ध जिसकी तरफ इशारा करते हैं, उमर खय्याम भी बिल्कुल उसी की तरफ सीध में इशारा करते हैं। डुबोगे अपने सारे कष्टों को, मदरा के उन प्यालों में भरा पड़ा तुम्हारे अंदर ऐसा समुद्र है खुमारी का, जहां जाकर तुम्हारी सभी चिंताएं धूल धूसरित खंड खंड हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं, वाष्प बनकर हवा में उड़ जाती हैं, फुर्र हो जाती हैं। अपने सारे कष्ट डुबो दे, चाहते तो तुम भी जाइए, लेकिन अगले शब्द शब्द पकड़ लेते हो, इशारे नहीं पकड़ते। और अपने सारे संशय, एक एक शब्द बड़ा प्यारा है, वेद वाक्य है, एक एक शब्द शब्द पलट दिए गए, नकाब बदल दिए गए, बात वही है, नकाब बदल दिए गए और अपने सारे संशय भय दुविधा चिंता, अब ये वेद वाक्यों से कम है। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षिष्यामि मा शुच, क्या कहता है, मैं तुम्हारे सभी प्रकार को दुखों तकलीफों कष्टों क्लेशों रोगों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। क्या फर्क है कृष्ण के वचनों में और उमर खय्याम के वचनों में, फर्क क्या है बताओ। यही शब्द कहा, संशयात्मा वनिष्यति, हे पार्थ संशय मत कर, तू डूब जाएगा, संशय को त्याग दे, हे पार्थ संशय को त्याग दे। क्यों? क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, विनाश हो जाता है जो व्यक्ति संशय में रहता है, इधर जाऊं के उधर जाऊं के उधर जाऊं। और उमर खय्याम कहते हैं, अपने सारे संशय भय, कौन सा क्षेत्र है जहां भय नहीं? शरीर के क्षेत्र पे तो भय है, मरने का डर है, मनस के क्षेत्र में तो भय है, कोई हमारी धारणाओं को न तोड़ दे, कोई हमारे विचारों को न तोड़ दे, बड़ा भय लगता है। कौन सा क्षेत्र है? निरपो निर्वैर काल मूरत अजूनी सैपम गुरु प्रसाद, वो क्षेत्र है जहां भय नहीं, उस क्षेत्र में प्रवेश कर जा। अपने सारे संशय भय, तब तक भय लगेगा जब तक जो चीज टूट सकती है उनके साथ तादात्म्य साध रखेगा। शरीर टूटता है, बिखरता है, अंत में ढेरी हो जाता है, मिट्टी का पलिंदा रह जाता है, इसके साथ मोह बांधा तो डरता रहेगा हर वक्त। ये शरीरधारी लोग क्यों क्यों साथ जमाते,
लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन, इन जैसा कायर व्यक्ति धरती पे खोजना मुश्किल है। राजनीति के साथ साथ जेड प्लस सुरक्षा क्या खबर देती है, कोई इन्हें मार ना दे, ये मूर्ख है, मृत्यु तो फिर भी मार देते, बच पाते हैं, नहीं बच पाते ना, क्योंकि जिससे डरते थे, ये जो आसपास तुम्हें मरने के लिए बचाव के लिए तुमने घेरे बना रखे थे, ये तो खुद भी मरेंगे, और भूल जाओ कि ये तुम्हें बचा देंगे। जब मौत आती है तो सात परकोटों को लांग के आ जाती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तो कमजोर कौन, परख बता देता हूं बाहर से, जो स्वच्छंद बिखरे, जो स्वच्छंद बिचरे संसार में बिना किसी सुरक्षा माहौल के, वह निर्भय, सारी दुनिया निर्भय है इन राजनीतिज्ञों के अलावा। और अगर कोई व्यक्ति अपने भय के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए मांग करता है कि मुझे जेड प्लस दे दो, मुझे वाई प्लस दे दो, एक बात समझ लेना कि इसके भीतर भरा पड़ा है भय, डर। और डर एक ही चीज का है, मैं तुम्हें साफ करूं, बहुत सी चीजों का डर कभी नहीं होता। सभी डरों के पीछे एक महत डर विद्यमान है, और एक ही डर से सारे डरों का फैलाव निकलता है। और वो डर क्या है, मरने का डर तुम्हारी बुनियाद में छिपा पड़ा है, और फिर भी तुम मरते हो। तो इसका हल क्या है, इसका हल बताते हैं उमर खैया। वो कहते हैं इस भय से पार हो जाओ, डुबो दे इस भय को उन शराब के प्यालों में। अपने सारे कष्ट डुबो दे मदरा के प्यालों में, और अपने सारे संशय डुअलिटीज, भय, डर, मरना चाहूं, ये क्या खबर है। तुम्हारी मान्यता जो तुम हो उससे कुछ अलग है, इसलिए डर आता है, लेकिन उसका तो स्वभाव है निरपो निर्वैर। जिसको वैर लगेगा वह वैर भी करेगा, इसलिए दुष्ट व्यक्तियों को डर लगता है। दुष्ट व्यक्ति वैर भी करते हैं, और जो वैर करेगा वह भय भी करेगा। वैर तब पैदा होता है जब ड्युअलिटी पैदा होती है, संशय से भय पैदा होता है, भय से वैर पैदा होता है। कैसे इस भय को मिटा दूं, तो फिर जो व्यक्ति भय दे रहा है उसको मार दूं। संशय से भय और भय से वैर पैदा होता है, और वैर चरम पराकाष्ठा है तुम्हारी। मृत्यु ना आए, ऐसा तुम चाहते हो, लेकिन मृत्यु तो आएगी। मृत्यु से बड़ा सत्य इस संसार में और कोई नहीं। शरीर के लिए, मनस के लिए मृत्यु आएगी ही आएगी। कोई तुम्हारी भावनाओं को तोड़ देता है, तुम 295A का दावा करते हो, क्या टूट गया भाई, कोई चिन्ह दिखाओ, कोई टूटी फूटी चीज का बिखराव, कोई कंच, प्याला टूटता है तो कुछ अवशेष तो रहता है,
मुझे किसी ने कह दिया बाबा उसने मुझे आंख मारी। मैंने कहा बेटी कहां लगी ये तो बता दे। लगी तो कहीं नहीं, तो फिर कहां मारी? ऐसी मूड बातों के अंदर हम, अरे उसकी आंख में मच्छर भी तो पड़ सकता है और तुम्हें लग भी तो सकता है, और अगर उसने आंख मारी नहीं, उसने आंख बंद कर दी, एक आंख बंद कर दी, अगर तुम ये इशारे समझते हो तो थोड़ा सा जानवरों से इशारा करके देखो वो समझते हैं नहीं, क्योंकि वो अभी इतने समझदार हुए हैं, और इतना समझदार होना शुभ भी नहीं होता, इसलिए मैं कहता हूं मूर्ख ही अच्छे हैं। तुम मूर्ख ही बने रहो, तुम पागल ही बने रहो, क्या लेना है इस सभ्य समाज के भीतर इन पागलपनों को दोहरा के, खुद के पागलपन में मस्त हो जाओ, और वो पागलपन तुम्हारे भीतर ही स्थित है, उस मस्ती के सागर तक पहुंच जाओ, पागल हो उठो, झूमोगे पागलपन से। और ये जो आज की किशोरियां नाचती हैं, याद रखो ये तो कलाओं से युक्त आपको नाच दिखाती हैं। काश आपने मीरा का बिना कला सीखे जो नृत्य भीतर से परमात्मा ने बिखेरा, वो एक बार एक क्षण के लिए देख लिया होता, तो आप इन किशोरियों के नाच को भोंडा नृत्य करार दे देते हैं। ये भी कोई नाच है? अरे नाच तो मीरा का, फूल खिला तो सिर्फ फूल ही नहीं खिला, सुगंध भी बिखरी, लेकिन ये किशोरियां तो नाचती हैं लेकिन फूल की सुगंध तो बिखरती नहीं, ये तो मात्र हाथ पांव की कलाकृतियां हैं, ये तो मात्र देखिए थरकन, पांच लोग यकसां नृत्य कर रहे हैं, और देखना मिलिट्री परेड की तरह ही इनकी भाव भंगिमाएं होंगी, अगर उंगली ऐसे होगी तो दूसरे के भी ऐसे। प्रशिक्षण व्यवस्था ऐसी दी गई है, यह भीतर से नहीं आया, निश्चित ही भीतर से नहीं आया, यह अनुशासन से आया है, यह शास्त्र से नहीं आया है, अनुशासन से आया, बाहर से सीखा हुआ है, जैसे पैरेड करते हैं आप फौजियों को पैरेड करते दिख रहे हैं, कितने अनुशासनबद्ध हैं, वो तो होने भी चाहिए, लेकिन नृत्य की नृत्यांगना अपनी कलाओं को इस तरह बिखेरे, ये तो कोई नृत्य ना हुआ। नृत्य तो उस खुमारी से आए, उस मैं के प्याले से आए जिसका वर्णन करते हैं उमर खैयाम, और मीरा के भीतर से ऐसा नृत्य आता है, और उसे कोई शुद्ध बुद्ध नहीं होती, वो किसी ब्यूटी पार्लर के पास जाके मेकअप नहीं करवा के आती, वह कोई टीका या त्रिपुंड धारण नहीं करती, उसके तो हाथ में एक तारा, जिसकी जनकाहट आपके हृदय के भीतर आंदोलित कर जाती है आपकी सारी अस्तित्व को। लेकिन इन किशोरियों का डांस आपके भीतर तक हिलाता नहीं, आपका भीतर आंदोलित नहीं होता, निश्चित ही ये सीखा हुआ नृत्य है, मीरा का नृत्य सीखा हुआ नृत्य नहीं है, मीरा का नृत्य समर्पित किया हुआ नृत्य है, इसने उस महत्व को समर्पण कर दिया, फिर वो जैसा नचाता है मीरा नाचती है, और तुम्हारी तथा कथित किशोरियां जैसा वो नचाता है वैसा नहीं नाचती, सीखी हुई कलाकृतियों से नाचती हैं, इनका नृत्य बड़ा व्यवस्थित होता है,
व्यवस्था से युक्त होता है, लेकिन मीरा का नित्य बड़ा अराजक होता है। उसका तो पता नहीं, लेकिन सुंदर बड़ा है। क्यों? क्योंकि फूल के खिलने से ही तो मात्र फूल नहीं खिलता। जब तक वो सुगंध ना बिखरे तो फूल फूल कहलाता ही नहीं। फूल तो एक पंखुड़ियों का समूह है जिसने अपनी पंखुड़ियां खोल दी हैं। लेकिन अगर उसके भीतर से सुवास नहीं उठती तो फिर फूल काहे का खाक? नहीं, सुवास ही बताती है कि फूल खिल गया। और अगर सुवास ना हो तो तुम ऐसे भोंडे नृत्य ही असली नृत्य समझते रहोगे। मीरा तो तुम्हारे सामने कभी हुई नहीं। मीरा की तो तुम बातें ही सुनते हो और नकल ही कर सकते हो, और तुम कुछ कर नहीं सकते। दैहिक दैविक तापों की चिंता तज कर, तुम तजने वाले कौन? तुम वहां पहुंचो जहां दैविक दैविक दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहिव व्यापा। देखिए बड़ा सुंदर शब्द गए, लेकिन तुलसीदास को भी पता नहीं इसका अर्थ क्या। जैसे ही तुम अपने भीतर के राम राज्य में प्रवेश करते हो, ये लोग कहते हैं हम राम राज्य लेके आएंगे, बकवास करते हैं। राम राज्य कभी संगठनों को प्रेरित करके राम राज्य नहीं आता है, राम राज्य आता है संगठनों के अभाव से। भीड़ भाड़ में कभी राम राज्य आया ही नहीं करता। जैसे ही तुम अकेले हो जाओगे, अपने अस्तित्व में भीतर में प्रवेश करोगे, समूह वहां नहीं होगा, यू एंड यू विल बी अलोन देयर, तुम और तुम ही अकेले होगे वहां पर, वहां होगा राम राज्य। वहां बिखरेगी आत्मीयता की सुगंध, वहां कोई पराया ना रहेगा, वहां कोई अपना ना रहेगा, वहां कोई बेगाना नहीं होगा। और ये समूहों में चीज नहीं घटती, इसलिए मुझे निर्देश किया गया प्रथम दिन कि कम्यून मत बना लेना। और यह संतों का, सिद्धों का, दैवज्ञों का, दैवीय पुरुषों का अनुभव था, एकाकृत अनुभव था कि कम्यून मत बना लेना, कुछ तो होगा इसमें। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं इसमें क्या है। दो व्यक्ति कभी यकसां पहुंच नहीं सकते, कितने भी कोशिश कर ले। मरना और पहुंचना, ये दो चीजें एकांत में हुआ करती हैं। अकेला ही व्यक्ति मरता है, अकेला ही व्यक्ति पहुंचता है। इसलिए महावीर ने वहां तक पहुंचने वाले व्यक्ति को नाम दिया कैवल्य, जो केवल हो जाता है, जो सिर्फ रह जाता है, शेष मात्र खुद स्वयं अपना अस्तित्व ही रह जाता है। उसको उपाधि दी, यह उपाधि थी, यह स्थिति थी, कैवल्य में उतर जाता है। जो केवल, जहां केवल है, जहां दो नहीं। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। अगर दूसरा अभी भी बाकी है तो समझना तुम्हारा मन अभी जिंदा है, यह कलोल कर रहा है। तो महावीर ने कहा जहां जाकर तुम केवल रह जाओ, तुम ही रह जाओ, एक ही रह जाए, दूसरा मिट जाए, दूसरा वेद का कारण है, जहां जाकर तुम ही तुम रह जाओ, वो केवली अवस्था। और दूसरा कोई ना बचे, दूसरा ना बचेगा तो किससे भय करोगे, किससे भय मानोगे? निर्भय निर्वैर वहां जाकर हुआ जा सकता है। वहां दूसरा कोई नहीं जिससे भय मानोगे, और दूसरा कोई नहीं जिससे वैर करोगे। अपने सारे कष्ट डुबो दे मदरा के प्यालों में, ये जाम छलक रहे और कभी मिटते नहीं छलकने से,
इनकी छलकाहट बार बार तुम्हें पुकारती। ये अनहदर नाद को सुनते हुए गौर से देखना, ये तुम्हें क्या पैगाम देती है। लौटाओ हमारी बाहों में, हम आस लगाए बैठे हैं। तुम वादा करके भूल गए, तुम क्यों नहीं आते वापस अपने मुकाम में। मुकाम तुम्हें पुकार रहा है, जाओ उसको बाहों में जकड़, वो तुम्हें अपने पंखों में समेटने को बेताब बैठा है। कब से तुम जाओ उसको गलवकड़ी लगा लो, उसके आगोश में छा जाओ, वो तुम्हें अपनी गोद में छुपाने के लिए बेताब, तुम्हें आंचल में लेने के लिए बेताब बैठा और पुकार रहा है निरंतर। तुम सुन रहे हो इस अनहद की लगातार ध्वनि को, सुन रहे हो ये उसकी पुकार है। लौटाओ लौटाओ हमारी बाहों में, हम आस लगाए बैठे, तुम वादा करके भूल गए। और अपने सारे संशय वह दुविधा, दुविधा कैसे, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। दुविधा तो एक संशय है, इधर जाऊं उधर जाऊं। और जब आप इस दुविधा को मिटा देते हो, एक तरफ ही निकल पड़ते हो, तो फिर एक को पा ही लेते हो। इन दुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा, चिंताओं को उलझा दो। बड़े सुंदर शब्द प्रयोग किया, जिन शब्दों की तुम्हें उम्मीद है, तुम चाहते हो कि प्रेसी के गुंगराले वालों में अपने स्वच्छंद उंगलियों को घुमाते रहे। ये तुम्हारी चाहत को ही बखान कर रहे हैं उमर खय्याम, और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुमसे मुखातिब होना है और तुमसे मुखातिब होने के लिए तुम्हारी ही भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता। महावीर बोलते हैं, पाली में बोलते हैं, सहज भाषा में बोलते हैं, प्रकृति में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे से संवाद करना है। इसलिए उमर खय्याम बोलते हैं, तुम्हारी ही भाषा में बोलते हैं, जो भाषा तुम्हें समझ आती है, और तुम्हें यही भाषा समझाती। उलझा दो इस सुंदर साकी के घुंघराले वालों में, यही भाषा तुम्हें समझाती। किसको उलझा दो? तुम्हारे सारे संशय, तुम्हारे सारे भय, तुम्हारी सारी दुविधाएं, तुम्हारे सारे भ्रम, तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम्हारी सारी जलने, तुम्हारी रातों रातों का जागना। ये साकी के सुंदर घुंघराले बालों में उलझा दो। प्रियतम के घुंघराले बालों में उलझा दो, प्रेसी के घुंघराले बालों में उलझा दो। दैहिक दैपिक तापों की चिंता तज कर। देखिए ये परिणाम है, मैं फिर बता दूं, आपके ही शब्दों को समझाने के लिए एक किया गया प्रयास मात्र है उमर खय्याम के द्वारा। मुझे आशा है कि आप इन शब्दों की गहराइयों को पकड़ पाएंगे। दैहिक दैविक तापों की चिंता तज कर, करना कुछ नहीं, उस अंतस के प्राणों में उतरना है, बस यही कुछ करना है, और वो भी बिना कुछ किए पहुंच जाओगे। शब्दों में तो बोलना ही पड़ेगा, तो करना कुछ नहीं है, ना त्यागना है ना अपनाना है, बस तुमने सहज हो जाना है, और तुमने अब
अपने अंतस में अपने आप को समर्पित कर देना, बस फिर वो जाने उसका काम है। दैहिक दैविक तापों की चिंता तज कर, अपने सारे कष्ट डुबो दे मदरा के प्यालों में, वो शराब का सागर है। उस सागर के दीवाने हो जाओ, उस सागर की मस्ती में खुद को फना कर दो, डुबो दे मदरा के प्यालों में खुद की हस्ती को, और अपने सारे संशय हर वक्त क्यों परेशान रहते हैं? भला इन परेशानियों का अंत कहां होगा? शमशान में। अपने सारे संशय भय दुविधा चिंताओं को, यही कुछ तो है तुम्हारे पल्ले, और क्या? दैहिक दैविक भौतिक ताप है, चिंता है, कष्ट है, और संशय है, और भय है, और दुविधा है, चिंताएं हैं, यही कुछ तो है तुम्हारे पास बपोती, जिसे तुम संपत्ति कहते हो। ये संपत्ति तो फिर विपत्ति क्या होती है? अगर ये संपत्ति है तो फिर विपत्ति होती क्या है? यह विपत्ति है जिसे तुम संपत्ति कहते हो, भला खाक संपत्ति होगी जिसको जोड़ने में इतना कष्ट उठाना पड़ता है, पापा वाजन होवे कठी, और जिसकी चौकीदारी में समय रातें जागते हो। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये डाकू तो नहीं, उठ उठ के देखते हो और कमाते हो छीना छपटी करके, और फिर रातें जागते हो। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, वो ही है, एक दिन आ जाएगा, डाकू ना आएगा तो मौत तो आ ही जाएगी। वह तो अदृश्य डाकू है, वह तुम्हारी सारी संपत्तियों को छीन ले जाएगी। ये तुम्हारे पास तुम जिन्हें संपत्तियां कहते हो, संपत्तियां हैं या विपत्तियां हैं? और अपने सारे संशय भय दुविधा चिंताओं को उलझा दो, एंड लूज योर फिंगर्स इन द ट्रेसेस ऑफ द सरप्रेस सिलेंडर मिनिस्टर ऑफ फायर। शराब के इन प्यालों में अपने सारे भय संशय कष्ट कलेश दैहिक दैविक भौतिक दुविधा सब शराब के प्यालों में डुबा दो, और वो शराब का प्याला कहीं बाहर नहीं, वो शराब का प्याला तुम्हारे भीतर है। उस शराब के प्याले तक पहुंचना तुम्हारा लक्ष्य भी है, जरूरत भी है। उसी शराब के प्याले के खोज में आप कब से भटक रहे हैं? फिर नकली शराब के प्याले पीते हो, जीवन गुजार देते हो, एक दुरूह चक्कर बनकर दुष्ट चक्र बन के हो जाती है तुम्हारी जिंदगानी। घर से मैखाना, मैखाने से घर, ये एक अंतहीन लंबी श्रृंखला, घर से मैखाना और मैखाने से घर। इन चिंताओं को मिटा दो, इन यात्राओं को मिटा दो, अपने भीतर गोता लगा लो, वहां मिट जाएगा तुम्हारे सारे भ्रम दुविधाएं चिंताएं कष्ट कलेश रोग देह के सारे ताप।
मन के सारे ताप, शरीर की सभी जरूरतें खत्म हो जाएंगे। राम राज नहीं काहे व्यापार। इस राम राज का तुलसीदास के शब्दों के हिसाब से अनुवाद मत कर लेना। राम तुम्हारे भीतर बैठे हैं, जहां राम का राज है वहां है राम का राज। जो जहां राम बैठा है उस राम राज में प्रतिष्ठित हो जाओ। बाहर के झंडे डंडों की सियासत में मत उलझो। और जैसे ही तुम उस राम राज में प्रवेश कर गए, तुम ये सारे सुपरिणाम पाओगे। क्या तुम्हारे सारे भय समाप्त हो जाएंगे? सारी चिंताएं, दुविधाएं, सभी प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, सभी प्रकार के संशय, भय, दुविधाएं सब समाप्त हो जाएंगे। किसमें? उलझा दो इन सुंदर साकी के गुंगराले बाल, गुंगराले बालों में अपनी इन फिंगर्स को, एंड लूज योर फिंगर्स इन द ट्रेसेस ऑफ द साइप्रस सिलेंडर मिनिस्टर ऑफ वाइन। धन्यवाद।